दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम हैंक नाम के आदमी को देख पाते हैं जो छोटे से टाउन में रहता है। इस टाउन में दोस्तों ऐसे लोग बहुत कम हैं जो पढ़े लिखे हैं। उन्हीं लोगों में हम हैंक को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहा होता है और जल्द ही वो अपने घर पहुंच जाता है। वहां पर हम हैंक की प्रेग्नेंट वाइफ को देख पाते हैं जिसके साथ हैंक मिलता है और कुछ टाइम स्पेंड करता है। अब दोस्तों हैंक को अपने भाई जेकब से कहीं जाना था तो वो यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर हैंक अपनी वाइफ को उसका ध्यान रखने को कहता है और हैंक की वाइफ भी उसको अपना ख्याल रखने को कहती है। इसी के साथ जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो उनको वहाँ पर ल्यूक नाम का आदमी मिलता है। उसे देख कर जेकब हैंक को कहता है कि इसे तुमने बुलाया है, तो वो कहता है कि हाँ। ये बात दोस्तों उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि कुछ टाइम पहले ही ल्यूक और जेकब की लड़ाई हुई थी। अब हम देख पाते हैं कि ये निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए और बीच रास्ते में वो अपने मॉम डैड के ग्रेव पर फूल चढ़ाते हैं, पर दूर खड़ा ल्यूक टॉयलेट कर रहा होता है जिसे देखकर हैंक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो और वो उनको कुछ नहीं कहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतनी बात पर किसी का मूड ऑफ हो। अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एक वॉल्फ जो मुर्गी लेकर भाग रहा होता है। दोस्तों वहां पर एक फार्म भी होता है तो उस फार्म का मालिक उसके पीछे भाग कर जाता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं वो तीनों भी अपना काम करके अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी से वही वॉल्फ टकरा जाता है, जिसे वो गाड़ी से उतर कर देखते हैं पर अपने आस पास कहीं भी उसको वो वॉल्फ नहीं दिखता। तभी हैंक अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ता है। दोस्तों वो चलते चलते बहुत आगे तक चले जाते हैं पर उनको कहीं पर भी वो वॉल्फ नहीं दिखता। इसी तरह से ये लोग वहां पड़े बर्फ के गोले बनाकर दूर फेंकते हैं, पर तभी वो बर्फ का गोला एक क्रैश हुए प्लेन पर जा टकराता है, जिसे देखकर ये तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये प्लेन यहाँ आया तो आया कैसे। तभी जब हैंक उस प्लेन के अंदर झांकता है तो उसे पता चलता है कि आगे वाले सीट पर पायलट होता है और उसकी भी अब मृत्यु हो चुकी होती है। तभी दोस्तों हैंक की आगे सीट पर रखे काले बैग पर नजर जाती है और वो उसे निकाल कर खोलता है तो उसे देखकर इन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोस्तों ये उस बैग में 100-100 के हजारों नोट देख पाते हैं। ये देखकर इन तीनों का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। ये तीनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इस प्लेन को अभी तक किसी ने नहीं देखा और अगर ये सभी पैसे हमारे पास आ जाए तो हम बहुत अमीर हो सकते हैं, हम शहर में रह सकते हैं और तो और हमारी आगे की जिंदगी पूरी तरह से सुधर जाएगी। ये भी किसी तरह की ब्लैक मनी है और अगर हम इसे अच्छी जगह पर छुपा कर रखेंगे तो हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। यहाँ पर हैंक उन दोनों को कहता है कि मैं इन पैसों को अपने घर रखूंगा और अगर पुलिस वाले मेरे घर आएंगे तो मैं इन पैसों को जला दूंगा। अब दोस्तों ये दोनों हैंक की इस बात को मंजूर कर लेते हैं और इन तीनों में हैंक ही थोड़ा पढ़ा लिखा होता है। अब दोस्तों ये पहले तो यहीं पर पैसों को गिनना शुरू करते हैं, जिसे गिनते गिनते इन्हें रात हो जाती है। दोस्तों ये करीबन 4 लाख डॉलर होते हैं जो इंडियन रुपी हुए 3.5 करोड़ के आसपास। तभी ये देख पाते हैं कि इनके सामने से एक गाड़ी गुजर रही है और जब हैंक उस गाड़ी के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी का दोस्त होता है। वो उनसे पूछता है कि क्या बात इतनी रात को यहाँ पर कैसे, तो हैंक कहता है कि दरअसल मेरा डॉग भागकर यहाँ तक आ गया और फिर उसे ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ पहुंचे। इतना सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। अब ये तीनों भी अपने घर तक पहुंच जाते हैं और फिर हैंक अपनी बीवी से एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुम्हें बीच जंगल में ढेर सारा पैसा मिले तो तुम क्या करोगे, तो वो बताती है कि कुछ नहीं, मैं उन पैसों को फेंक कर वहीं आ जाऊंगी। तभी हैंक भी उन पैसों को अपनी बीवी के सामने रख देता है जिससे उसकी नीयत बदल जाती है और वो इन पैसों को अपने घर पर रखने के लिए इजाजत दे देती है। पर दोस्तों वो हैंक को कहती है कि तुम्हें कुछ पैसों को प्लेन में रख कर आना चाहिए क्योंकि अगर इन पैसों का मालिक इनको ढूंढते हुए यहाँ तक आ भी गया तो उन पैसों को देखकर उसे पता चल जाएगा कि कुछ पैसे क्रैश में गिर गए। और फिर ये बात सुनकर वो अगले दिन उसी प्लेन के पास पहुंच जाता है
ये अपने साथ जैकब को ले जाता है और उसे वही गाड़ी के पास खड़ा कर देता है। हैंक उसे कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी आए तो तुम कहना कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो जैकब को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैकब कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। और तभी दूर खड़ा हैंक उन दोनों को बात करता हुआ देख लेता है। वहीं जैकब भी किसी चीज से उस आदमी पर हमला कर देता है। इतने में हैंक भी वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो। तो जैकब कहता है कि ये प्लेन की ओर आ रहा था। अब जब हैंक उस आदमी को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसकी तो मृत्यु हो गई होती है। ये देखकर जैकब जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दोस्तों हैंक भी अब किसी न किसी तरह से हादसा साबित कराने के लिए उस आदमी को ब्रिज से नीचे गिरा देता है। इसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और हैंक भी ये सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों हैंक देख पाता है कि न्यूज में उसी हादसे के बारे में बता रहे होते हैं। उसमें बताते हैं कि एक आदमी की किसी तरह से ब्रिज से नीचे गिरकर मौत हो गई। ये सुनकर दोस्तों उसे थोड़ी चैन की सांस आती है। तभी दोस्तों जब हैंक अपने मील में काम कर रहा होता है तो उसके पास जैकब की कॉल आती है और वो हैंक को मिलने के लिए बुलाता है। उससे कुछ पैसे मांगता है और कहता है कि मुझे खेती करनी है। ये सुनकर हैंक उसको कहता है कि तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम्हें खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर दोस्तों वो हैंक पर भड़क पड़ता है। उसी रात जब हैंक सो रहा होता है तो कोई उसके घर की घंटी बजाता है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और जब वो अपने घर के डोर पर जाकर देखता है तो वो देख पाता है कि वो ल्यूक होता है। वो हैंक से थोड़े पैसे मांगने आया होता है पर हैंक उसे भी पैसे देने से इनकार कर देता है। और फिर ल्यूक उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पूरी बात पुलिस को बता दूंगा। ये सुनकर हैंक कहता है कि बता दो, अगर तुमने ऐसा किया भी तो इसमें तुम भी फंसोगे। फिर हैंक उसे $40 देकर यहाँ से जाने को कहता है। अगले दिन दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सारा को बेबी हुआ है। वहां पर वो हैंक को कहती है कि तुम्हें ल्यूक को एक पार्टी के बहाने घर बुलाना होगा और उसे तुम बहुत सारी ड्रिंक पिलाओगे जिससे बड़ी ही चालाकी से तुम उसके मुंह से ये बुलवाओगे कि उस आदमी का कत्ल मैंने ही किया है। ऐसा करके तुम ल्यूक को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। दोस्तों ये सब देखकर हम पता लगा सकते हैं कि सारा का दिमाग कितना तेज चलता है और वो बातों को कहां तक सोच सकती है। ये सब काम हैंक जैकब को करने को कहता है जिसमें वो पहले तो ऐसा करने को मना करता है पर बाद में वो मान जाता है। जैकब ल्यूक को कॉल करता है और उसको पार्टी के लिए बुलाता है। ये तीनों आपस में बहुत ड्रिंक करते हैं पर ये लोग ल्यूक को ज्यादा ही पिलाते हैं। यहाँ पर जैकब बात को छेड़ देता है और कहता है कि मुझे तो उन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कहता है कि ल्यूक चलो तुम बताओ कि अगर एक दिन हैंक को पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो वो डर के मारे कैसे बताएगा। अब ल्यूक ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है तो वो सब कुछ प्रैक्टिकल करके बता देता है और हैंक भी इस बात को रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद हैंक उसे ये दिखाता है कि ये देखकर ल्यूक जाकर अपनी बंदूक लाता है और हैंक पर तान देता है। पर तभी दोस्तों हैंक उल्टा ही उस पर बंदूक तान देता है, उस पर शूट कर देता है। तभी वहां पर ल्यूक की वाइफ आती है पर हैंक उसे भी मार देता है। दोस्तों देखो एक पैसा जिसने तीन लोगों की जान ले ली, गलत तरीके का पैसा बर्बादी लाता है। ये कहावत इस सीन पर शूट करती है। ये सब करने के बाद हैंक पुलिस को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि किसी ने ल्यूक और उसकी पत्नी को मार दिया है। इतना कहकर वो यहाँ से फरार हो जाता है। अगले दिन दोस्तों हैंक को भी पुलिस स्टेशन जाना होता है क्योंकि उसी ने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और हैंक कहता है कि उस रात ल्यूक ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, मुझे तो बस इतना ही पता है। दोस्तों हम यहाँ पर जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक FBI एजेंट है और वो अमेरिका से यहाँ पर उसी प्लेन क्रैश की केस को सॉल्व करने आया है। सभी ऑफिसर्स कहते हैं कि कल हम उसी प्लेन को ढूंढने चलेंगे जो यहीं कहीं क्रैश हुआ है।
अब अगला दिन होता है और ये सब निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए। बहुत देर के बाद वो प्लेन इन्हें मिल जाता है। हैंक यहाँ पर दिमाग लगाता है और कहता है कि कार्ल जो तुम्हारे पीछे है वो एक माफिया है, और तभी वो उसे शूट कर देता है। अब दोस्तों बचा जॉन, जिसे हैंक बचे हुए पैसे लौटा देता है, और तभी वहां पर एक गोली चलती है और ये गोली मारी होती है जैकब ने। जी हाँ दोस्तों, सारा ने ही इसे यहाँ पर भेजा होता है। यहाँ पर जॉन भी मारा जाता है। इसके बाद जैकब भी हैंक के आगे जिद करता है और कहता है कि मुझे भी मार दो क्योंकि मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। तभी दोस्तों हैंक उसे भी मार देता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर डाला। अब हम वहाँ पर पुलिस को देख पाते हैं जो हैंक को यहाँ से ले जाते हैं। दोस्तों पुलिस वालों को तो बचे हुए पैसे मिल जाते हैं, पर बाकी के पैसे अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे होते। ये देखकर पुलिस वाला कहता है कि जैसे वो आदमी उन पैसों को खर्च करने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तभी दोस्तों हम देख पाते हैं कि हैंक उन सभी पैसों को आकर जला देता है क्योंकि इन पैसों ने उसके भाई दोस्त सबको खत्म कर डाला। अब जब तक हैंक जीवित रहेगा तब तक वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज की हमारी कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।